हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तो पूरा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि आज फिर हमें जाना है हल्द्वानी की तरफ। कल ही हम आए थे शाम को और आज जाना है, और कपड़े वगैरह जितने धोए हैं अभी फोल्ड लोड कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही सामान पैक किया हुआ है। हमें सुबह हो रही है, 9 बज रहा है, मैं नहा धो के सब कुछ काम हो गया, नाश्ता पानी पोछा ओछा सब लग गया है, थोड़ा बहुत बचा है अभी दोबारा होगा क्योंकि अभी सबने खाना नहीं खाया है, नाश्ता नहीं किया है। तो देखिए गाइस, मैं थी गाँव में तो मेरे यहाँ पर पार्सल आया हुआ है, ये डाबर की तरफ से टी आई है, डाबर टी। ये इंस्टा के लिए आती है मेरे पास प्रमोशन के लिए, और इनके रील वगैरह बना के देनी पड़ती है, तो वही चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सो गाइस, ये आई हैं दो डाबर की टी, प्रीमियम टी विद आयुर्वेदिक हर्ब्स। ये आई हैं कैंडल, ये थोड़ा सा देखो टूटी हुई है, यहाँ पर से ऊपर से टूट गया, ये ट्री टाइप का है, सोप है क्या है पता नहीं, देखना थोड़ा सा टूटा हुआ है। एक ये शेप है और एक ये है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेवेंडर कलर टाइप का, और एक ये है ट्री। इसके अंदर कुछ पेज नहीं आया है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा क्या कैंडल है। वैसे तो कैंडल ही है ये, देखो मुझे लग रहा है कैंडल है, ये बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, फ्रेगरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। और बस आज ही बनानी पड़ेगी वीडियो, बहुत सामान आ रखा है, बायोडर्मा का भी आ रखा है, फिर अब बना के वीडियो देनी है आज ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 4-5 दिन से मैंने कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं करी, 4-5 दिन का, एक हफ्ते से ही नहीं करी, मैं बिजी चल रही थी तब से ही। तो बस अभी और काम वगैरह करते हैं, सुबह मैंने दिन में मैक्स हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से नवी का टेस्ट कराया था ना, आज रिपोर्ट लेके आऊँगी, फिर मैंने हल्द्वानी जाके वहीं से दिल्ली दिखाना है, एम्स दोबारा जाना है, तो इसलिए चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइज, अभी हो रहा है 8 बज रहा है, हमने मॉर्निंग में ब्लॉग बनाया था, सीधे स्टार्ट किया था, और अभी शाम के 8 बज रहा है, और अभी हम हो गए हैं रेडी, जाना तो हमने 9:30-10 बजे तक जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 11:30 बजे की ट्रेन है, बट अभी मैंने जो है सब्जी चढ़ा दी है और आटा गूंथ दिया है, देखना आटा गूंथ दिया है, सब्जी चढ़ा दी है, और किरण दी आई थी, जेजुमा की लड़की, आज दीदी माई के आई है, वो ज़्यादा दीदी यहाँ आती है और हम अपने मायके भाग जाते हैं, तो थोड़ा मिल के आते हैं, तो हम भी शाम को अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। बस बिल्कुल ही टाइम नहीं हुआ आज, क्योंकि गाँव से आए कल, उसके कपड़े वहाँ के कपड़े धोने वगैरह, अभी भी देखो अभी डब्बू उठा के लाए कपड़े से बाहर से, तो पूरा कमरा फैला हुआ, इनको फोल्ड करके रखने के लिए जाने वाले नहीं है इसलिए, क्योंकि एक दो वीडियो मेरी पेंडिंग थी वो भी बनाई मैंने, और सामान आया हुआ है, ये कैंडल मैंने दिखाई थी आपको पता नहीं सुबह, उसकी वीडियो नहीं बनाई है, अब देखूँगी या तो रख के ले जाती हूँ, लाने बनाऊँगी, क्योंकि एक दो दिन में देनी पड़ती है ना, 15 दिन तक तो मैं आऊँगी नहीं। चल यार, ये देखो बॉटल दिख रही पीछे, ये मैंने शोकेस के लिए रखी, इसको इसमें कुछ बनाना है मैंने, तो चलो फटाफट दीदी से मिल के आते हैं। आबरा का डाबरा छू, ऐसा बोलो 10:30 बज गया है, बस कुछ नहीं बच चुका है, नहीं आराम से करना है, हम रवाना हो चुके हैं, आगे फाटक लगा हुआ है और ट्रेन आ रही है। अरे तो वह वंदे भारत आ रही है भाई, अरे क्या मस्त है वंदे भारत, बाय बाय। वैसे हम पहुँच गए, ट्रेन लगी हुई है, हम यहाँ पे खड़े हैं, डब्बा अंदर सीट का देखने गए, स्लीपर करा हुआ है, 3A तो यही है, 3rd AC का डब्बा। ओह 11 नहीं बजा अभी, 11:30 बजे की है ट्रेन, नवी और मैं स्लीपर में लेट गए हैं ना, नवी बोलो, नवी डर है इसमें। तो गाइज अभी यहाँ से ट्रेन चल गई है, देखो अब हमारे ऊपर लाइट है ना, हम यहाँ पे लाइट खोल के वीडियो बना रहे हैं, नवी नवी यहाँ बताओ पहले, आप कैसे गिरे नीचे? अरे ज़्यादा बार बार नीचे गया, बस अब सो जाते हैं, अब मिलेंगे सीधे सुबह, ये गिर के आ रहा है यहाँ पैरों के साइड से ना, खिसक खिसक के नीचे जा रहा, पापा पापा कुछ भी सोचा ऊपर जाऊँगा, ऊपर से भी मतलब नीचे चले गए, सीट ये है कि है तो ठीक, कंजेस्टेड लग रही है ना उसे, ऊपर सर जो है पूरा नहीं आ पा रहा बैठने में, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, मज़ा आ रहा है, लगी सब में तो ना लगी,
रूम नीचे गया फ्राई करके बैठा हूं। गाइस अभी हम पहुंचे बिलासपुर रोड और खूब बारिश हो रही है। ये मेरे अंदर से आ रहा है, इतना ठंडा हो रहा है ना, बारिश हो रही है पूरे रास्ते में। यहाँ पे रुकी है गाड़ी और अब मुझे लग रहा है हर जगह बारिश हो रही है। देहरादून में भी हुई होगी, रास्ते से हो रही थी। देहरादून में तो कल नहीं हुई थी, आगे को आया हम तो वहाँ से होने शुरू हो गई थी। हाँ बेटा बोलो, गिर जाते नीचे, देखो पटरी में कुछ जाएगा तो पापा डांटेंगे फिर हमें। हम तो यहाँ पे घूमना है, क्या बढ़िया लग रहा है ना। तेरे क्यों रुकी है ट्रेन, बहुत देर हो गया यहाँ पे रुके रुके। मौसम देखना क्या बढ़िया हो रहा है, बहुत देर है अभी। चलो चलते हैं अंदर, चलो डब्बू तो सो रखे हैं अभी, मैं भी सो गया। अब मुझे लग रहा है ये लोग भी चले गए, सीट खाली हो गई। कहाँ पहुँच गए नबी हम बताओ? हम हल्द्वानी पहुँच गए, अब हम थोड़ा सा मेकअप सीख हो जाए। आपका बैग तो ऊपर ही है। हाँ हाँ तो हटना तो। मैं क्यों हटूँ, अभी तो क्यों नहीं निकाला। गोला आ गया, गोला सूख रखी बिल्कुल, एक बूंद पानी नहीं आता गोला में। देखना गोला नदी बिल्कुल सूख रखी ना। तो गाइस अभी हम थके हुए भी हैं और हम ऑटो करके जा रहे हैं घर की तरफ। सो आपसे सीधे शाम को मिलते हैं या थोड़ी देर में मिलते हैं। हम मटन लेने आए हैं और नबी भी आया हमारे साथ ही खड़ा हुआ है। नबी कह रहा है ना कि आज फादर डे है तो मदर क्यों आई है साथ में, कह रहे हैं क्यों जाओ मैं घर। मानी नबी कह रहा है ना सुन कि आज फादर डे है तो मदर क्यों आई साथ में, कह रहा है। आज हम आए और आज घूमने आ गए, घूमने के आए, इन्होंने मटन खाया तो मटन लेने आए। अब कहाँ जाना है, चलो लो पकड़ो। यहाँ सबने हेलमेट पहना है, देखो चारों ने हमने। कौन काट यार तू? नहीं काटूंगी, बताओ क्या दिक्कत है। डब्बू को बहुत बेचैनी रहती है। कैसा हो रहा है? तो गाइस और लोग तो सब गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो नहीं खा रही हूँ, नवी और मैं खड़े हैं यहाँ पे। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।